अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कब होगा और इसका सिलेबस किस तरह होगा। तो रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने वेबसाइट पर, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये नोटिस उन्होंने अपलोड किया है। इस नोटिस में उन्होंने बताया है कि जो फेस फाइव के स्क्रीन टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो ये 17 नवंबर 2019 को ये टेस्ट होने वाले थे, 17 नवंबर 2019 को, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इसे रीशेड्यूल कर दिया गया। अब ये जो स्क्रीन टेस्ट है फेस फाइव के और डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो ये 29 दिसंबर 2019 से इसके टेस्ट जो है ये स्टार्ट होंगे। 29 दिसंबर 2019 को इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है और फेस फाइव के जो स्क्रीन टेस्ट है ये स्टार्ट होंगे, और इसके जो रोल नंबर स्लिप है ये सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में इसके रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि टेस्ट कब होगा और इसका सिलेबस किस तरह होगा। तो इसका टेस्ट जो है ये इंशाल्लाह 29 दिसंबर 2019 से इसके टेस्ट स्टार्ट होंगे, और इसके जो रोल नंबर स्लिप है ये आप लोगों को सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में मिल जाएंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर। अब जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, इसका सिलेबस किस तरह होगा, तो इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सिलेबस जो है ये, तो ये इसका सिलेबस है, सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ केस नंबर F4150, 178, 259 एंड 261। तो ये इसका सिलेबस है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो मतलब, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ये सिर्फ एक पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा, सबके लिए ये सेम पेपर होगा। जिसने FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का टेस्ट दिया था, FIA असिस्टेंट डायरेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर, तो सबका ये सेम एक पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। तो इसका जो पहला पार्ट है ये इंग्लिश ऐसे का होगा 40 मार्क्स का। तो इसमें से आप लोगों ने एक ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो वो ऐसे। उन्होंने 4 टॉपिक्स दिए गए होंगे, तो उसमें से एक टॉपिक पर आप लोगों ने ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स का। सेकेंड पार्ट जो है इसका करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट है 30 मार्क्स, इसके 30 मार्क्स होंगे। तो किस टॉपिक को आप लोगों ने रीड करना है, तो सिपेक एंड पाकिस्तान, कश्मीर एशो, पाक US रिलेशन, अफगानिस्तान क्राइसिस। तो इस इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के पोर्शन में, इसके 30 मार्क्स है। तो इन ये जो टॉपिक्स है, सिपेक एंड पाकिस्तान, कश्मीर एशो, पाक US रिलेशन, अफगानिस्तान क्राइसिस, तो इन टॉपिक को आप लोग इसको सही रीड कर लें। थर्ड पार्ट जो है इसका, जो लास्ट पार्ट है, ये इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ है, इसके टोटल 30 मार्क्स है। तो आप लोग यहाँ पर देख ले, इस्लामिक स्टडीज़, तो इन चीज़ों को आप लोग रीड कर ले, और पाकिस्तान स्टडीज़, तो इन चीज़ों को आप लोग रीड कर ले, तो इससे क्वेश्चन आएंगे और इसके टोटल होंगे 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स ये हो गए, 30 मार्क्स सेकेंड पार्ट के और 40 मार्क्स पहले पार्ट के, तो टोटल बनते हैं 100 मार्क्स। तो यहाँ पर उन्होंने सजेस्टेड रीडिंग, मतलब उन्होंने बुक भी बता दिए है कि कौन से बुक आप लोगों ने रीड करने हैं, तो इन बुक को आप लोग देख ले और इसको रीड कर ले, तो इससे क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस, और इसके डेट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका टेस्ट कब होगा और इसका सिलेबस किस तरह होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।